बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में खुश आबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ तुरई की। आप कहेंगे हर वक्त सब्जियाँ खिलाती है, नहीं मैंने तो पहले गोश्त पर भी पकाई है, नहीं मैंने आलू में बनाई थी तुरई, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आई तुरई और काले चने। और ये दोनों की मैं रेसिपी बनाऊंगी, तुरई और काले चने का सालन बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये प्याज है, टमाटर है, लहसुन तक है और जो जो चीज़ें इसमें ऐड होगी वो मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई ले ली, इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है मैंने, है। और अब इसमें ऑयल डाल रही हूँ, हाफ कप के करीब मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। मैंने ऑयल डाल दिया है और चूल्हा मैं तेज़ कर रही हूँ थोड़ा। ऑयल के साथ ही मैं इसमें दो प्याज और एक टीस्पून जीरा साबुत और चार पांच काली मिर्च साबुत इसको मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मैं फ्राई करती हूँ, इसको मैं फ्राई करूँगी प्याज को। प्याज देखिए ब्राउन हो चुकी है, इतनी मुझे प्याज ब्राउन करनी थी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा पानी ऐड करूँ ताकि ये गले नहीं, बस थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अब आप मसाले देख लें, एक खाने का चम्मच कुटी मिर्च, एक खाने का चम्मच पीसी मिर्च, एक टीस्पून हल्दी, नमक अदरक रायता और चार से पांच अदद ये साबुत गोल वाली लाल मिर्ची। खाना इस तरह बनाएं। ये नई रेसिपी होगी आप लोगों के लिए, लेकिन ये बनती बहुत मज़े की है और खाई बहुत शौक से जाती है, तो मैंने कहा इसको मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ आज। ये देखो मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैं मसाला भूनता है ना तो खांसी आने लगती है, आप परेशान नहीं होइएगा कि मैं बीमार हूँ। बीमार नहीं हूँ मैं, सही हूँ बिल्कुल। ये देखें, ये टमाटर भी इसमें दो अदद मैंने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये टमाटर भी इसके अंदर चले गए। अब ये सब मिल के पकेंगे, नहीं पकेंगे थोड़ी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तुरई, बिल्कुल झटपट रेसिपी है, बिल्कुल जल्दी से बन जाएगी। ये तुरई को मैंने धो के एक छन्नी में डाल दिया था, इतने के तब जितना एक्स्ट्रा पानी था ना सब निकल गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और अच्छा, एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, रेसिपी तो मेरी बहुत छोटी थी, तो अभी दो मिनट में हो जाएगी, तो आप लोगों से एक बात शेयर करूँ कि ये जो दुआ दहरा वाला केस चल रहा है, तो आप लोग को इसमें क्या नज़र आता है? दहरे के जो दिखाया जा रहा है वो नज़र आता है। अच्छा, इसमें मैं देखिए ये बॉयल काले चने, इसको बॉयल कर लीजिएगा नमक देके, और इसको भी मैं इसी वक्त ऐड कर दे रही हूँ। अब ये पकेगा और पकने के बाद ये भुनेगा, फिर इसके बाद मैं क्या चीज़ें इसमें ऐड करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी क्या लगता है, देखिए मेरा दिमाग जो कहता है ना, मेरी जो कहते हैं ना छठी कहती है, वो ये कहती है कि सारा खेल जो है ना किया है ये जहीर ने ही किया, ये जहीर के भाई शब्बीर का खेलावा खेल है सारा। आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। वो इस तरह के क्या नाम है, शब्बीर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने दुआ की तस्वीर देखी थी फेसबुक पे या मोबाइल पे देखी थी, शब्बीर ने कहा था। और जहीर और दुआ का कहना ये कि हमने तो एक दूसरे को देखा ही नहीं था, मैं जब वहाँ पहुंची हूँ तो मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा। अब आप बताएं जिससे शादी की दुआ ने उसने उसको नहीं देखा था, शब्बीर ने दुआ को देखा। आप उसका इंटरव्यू देख लीजिएगा, शब्बीर ने किसी एक थूके से काले से आदमी को ना इंटरव्यू दिया, उसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो वो इंटरव्यू में क्या नाम है ना, आप देखिएगा ज़रूर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या मैं मेरे जाता ख्याल जो मैं बता रही हूँ, शब्बीर ने दुआ की तस्वीर किसी और को दिखाई है, तो उस बंदे ने शब्बीर से कुछ पार्टी या कुछ कह रहे हैं अपने मकसद के लिए, दुआ को हासिल करने के लिए ये सारा गेम खेला, जहीर को आगे लेके आए जो मेरे आज। और ये जो इतना खर्चा, मतलब जो होटल में कमरा लिया गया, इंटरव्यूज करवाए जा रहे हैं या प्लेन से इनको ले आया गया, ये सब वही बंदा खर्च कर रहा है, वो है बड़ा आदमी कोई। खैर, मेरे जहाँ तक छठी स्थिति मैंने आपको बताया कि सारा गेम इसी तरह है, लेकिन ये मामला इतना उछल गया तो दुआ को चलते के रोक लिया गया, वरना ये केस जैसी वो होता ख़त्म होता, पर दुआ उस आदमी को दे दी जाती, जो भी था मतलब ये था। खैर, जो मैंने समझा वो अब तुरई देखें
अभी लगना शुरू हो गई नीचे से, इसका मतलब ये घूमने के करीब आ गई है। आप इस तरह बनाइएगा, बहुत मजे की बनती है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 5-6 हरी मिर्चें हैं और काली मिर्च कुटी हुई, ये ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। और इसमें मैं लेमन जूस इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं जूस इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ना तुरई थोड़ी होती है मीठी। और आप रेसिपी देखा करें, पूरी मेरी वीडियो देखा करें, मुझे लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, क्या नाम है, कमेंट पे बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी अच्छी। और आज जो मैंने थोड़ी सी बातें आपके से शेयर की, बताइएगा मैंने सही कहा ना दुआ के बारे में। अब देखिए ना, बाप है, बाप कितना प्यार करता है अपनी औलाद से, कितना प्यार करता है बाप अपनी औलाद से। तो बस दुआ करें उसके लिए कि बच्ची के लिए कि अपने माँ बाप से मिल जाए। ये बस मैं इसको 2 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी, दम हो गई है अभी। अब देखिए मैंने तुरई और काले चने का सालन को या भाजी कह लें इसको दम कर दिया, ये दम हो गई है। अब मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे मजे का। मैं चूल्हा भी ऑफ कर दे रही हूँ, ये देखिए अब मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो देखिए बाद में आपसे कहती हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए मेरा घर में आपने इस तरह की तुरई और काले चने का सालन नहीं खाया होगा, या आप खा के देखें इसको, आप चावल के साथ खाए, रोटी के साथ खाए, बहुत मजे का बनता है। और ट्राई करिएगा, बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, छोटी सी रेसिपी लेकर आई थी मैं, ठीक है, इसके साथ ही मुझे ज्यादा से